हेलो स्टूडेंट, एडी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्लास है आप लोगों के लिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, जो क्लास यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल टीजी 2 के लिए मैं ले रहा हूँ। तो इसी में एक चैप्टर आता है हैंड टूल, और ये एक ऐसा चैप्टर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बोर्ड पे बनाना बहुत मुश्किल भी होता है और टाइम भी लगता है। हैंड टूल से अगर देखा जाए तो पेपर में एक लिमिटेड चीज़ें पूछता है, लेकिन यही है कि मैं कुछ छोड़ के नहीं चल सकता, इसीलिए यहाँ इस छोटे चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये देखना होगा कि जो हैंड टूल्स हैं, इनके पिक्चर देखकर आप लोगों को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आपने घर में कहीं दुकान पे किसी इलेक्ट्रिकल जो मेंटेनेंस का काम करता है वहाँ पे आपने देखा है, और कहीं ना कहीं आप हर एक चीज़ को अपने प्रैक्टिकली देखी गई चीज़ों से आप रिलेट करने की कोशिश करिएगा कि भाई प्लास को आपने यहाँ देखा, इस इक्विपमेंट या इस टूल को आपने यहाँ देखा। तो अलग अलग तरह की टूल्स यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, लगभग 30-40 तरह के टूल्स हम लोग पढ़ेंगे, और ज़्यादातर टूल्स इसमें यह है कि जो एक नॉर्मल जो इलेक्ट्रीशियन से सर्टिफिकेट कोर्स जो कर रहा है वो ज़्यादातर उन्हें या तो एक्सपेरिमेंट करते समय देख लेता है या फिर अपने घर भर में देख लेता है। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ प्लास पर। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्लास यानी कि प्लायर। तो प्लास या प्लायर का जो काम होता है, देखिए प्लास या प्लायर की अगर हम बात करें तो यहाँ प्लास और प्लायर का काम होता है जॉब को पकड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे भी कि यह जॉब को पकड़ने का कार्य करता है, यह जॉब को पकड़ने का कार्य करता है, ठीक है जी। यह किसी भी जॉब को पकड़ने का कार्य करता है। जॉब का मतलब होता है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फिर आपको यह देखना है, ये सवाल आ सकता है कि किस मटेरियल का बना होता है। तो यहां हम ध्यान से देखेंगे, यह लोहो धातु, यह लोहो धातु या फिर आयरन मेटल से बना होता है। यह लोह धातु या आयरन मेटल से बना होता है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है, यह आपसे पूछा जा सकता है कि प्लास या प्लायर इसका बना होता है। अब देखिए, इसके तीन अलग अलग साइज होते हैं। हम लोग कम्बिनेशनल प्लायर और इंसुलेटेड प्लायर, ये सब अलग चीज़ें हैं, अभी देखेंगे हम लोग। तो इसके अलग अलग साइज होते हैं। ये अलग अलग साइज देखिए क्या क्या है, या तो हम कहेंगे कि 10 सेंटीमीटर है, या हम लोग कहेंगे कि भाई 15 सेंटीमीटर है। भाई 10 सेंटीमीटर का मतलब हो जाता है 4 इंच, और 15 का मतलब हो जाता है देखिए 6 इंच, फिर होता है देखिए 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है जी 8 इंच, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये किसी भी जॉब को पकड़ने का कार्य करता है, यह आयरन मेटल का बना होता है। ये इसके अलग अलग से देखिए साइज होते हैं। तो यहाँ आप लोगों को ये ध्यान देना होता है कि इंसुलेटेड प्लायर, जो ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये इंसुलेटेड प्लायर है। तो वैसे तो ये सभी के जो हैंडल या जो लेग्स हैं जिनको आप पकड़कर काम करते हैं, सभी पर देखिए इंसुलेशन होता है। सभी पर आप इंसुलेशन यूज़ करते हैं, तभी बिजली का काम करने के बारे में आप सोच सकते हैं, अदरवाइज बिजली के काम करने के बारे में आप सोच ही नहीं सकते, ठीक है जी। तो जब हम पहले देख रहे हैं कॉम्बिनेशनल प्लायर, तो कॉम्बिनेशनल प्लायर की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशनल प्लायर दो काम कर सकता है, यह मूल रूप से दो काम कर सकता है, ठीक है जी। ये क्या कर सकता है, देखिए कॉम्बिनेशनल प्लायर के दो काम क्या क्या है, कि यह जॉब को पकड़ता है, भाई इससे हम जॉब को जिस पर भी हम काम कर रहे हैं उसे हम पकड़ सकते हैं। दूसरा, यह कटर से कार्य वस्तु को काटता है, यह इसमें कटर भी होता है, कटर से वस्तु को काटता भी है। तो ये दो काम होते हैं जब हम कॉम्बिनेशनल प्लायर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान ये देखना है कि दो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, एक हिस्सा है देखिए जहाँ से ये वस्तु को पकड़ता है,
और ये हिस्सा ये है जहाँ से ये किसी भी वस्तु को देखिए काटता है। तभी बड़ी मेहनत से ये पीपीटी तैयार की गई है ताकि आप लोगों को देखकर क्लास अटेंड करने में मज़ा आए आपको। और इस तरह के क्लासेज ये सिर्फ यहीं आपको मिल सकती है कि जहाँ टीचर अपना पूरा एफर्ट डेडिकेशन डालता हो। तो यहाँ आप देखेंगे कि जहाँ से ये किसी भी वस्तु को पकड़ेगा और ये यहाँ से देखिए काटता भी है। तो ये दो कार्य करेगा, किसी भी वस्तु को पकड़ सकता है और उसे काट सकता है, तभी इसको कॉम्बिनेशनल प्लायर का नाम दिया जाता है। दूसरी चीज स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना होता है कि कॉम्बिनेशनल प्लायर को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। कॉम्बिनेशनल प्लायर दो तरीके से हम लोग बनाते हैं, एक होता है फ्लैट नोज प्लायर और एक होता है नैरो नोज प्लायर। तो कॉम्बिनेशनल प्लायर को हम दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये है हमारा टाइप्स ऑफ, ये है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशनल प्लायर, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशनल प्लायर। तो ये टाइप्स देखिए कॉम्बिनेशनल प्लायर के, इसके दो कार्य होते हैं, आपको ध्यान देना है। ये दो कार्य क्या है विद्यार्थियों, दो टाइप्स क्या है? तो दो टाइप्स देखिए क्या है, एक है फ्लैट नोज प्लायर। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉम्बिनेशनल प्लायर के कौन कौन से दो टाइप हैं, और एक होता है देखिए, एक है ये और एक है ये। तो दो तरह से हम कॉम्बिनेशनल प्लायर को पढ़ते हैं, एक होता है नोज प्लायर यानी कि फ्लैट नोज प्लायर और एक होता है आपका नैरो नोज प्लायर। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो फ्लैट नोज प्लायर है ना, जो फ्लैट नोज प्लायर है यह है नट बोल्ट, ये नट की बात करें बोल्ट की बात करें, ये नट बोल्ट को पकड़ने का कार्य करता है, नट बोल्ट को पकड़ने का कार्य करता है, यह नट बोल्ट को पकड़ने का कार्य करता है, ठीक है जी। दूसरी चीज ये है कि जो हम नैरो नोज प्लायर है, जो नैरो नोज प्लायर होता है इसका भी अपना एक एडवांटेज है, ठीक है। तो ये किसी भी नट बोल्ट को पकड़ने का काम करता है हमारा क्या, फ्लैट नोज प्लायर। अब देखिए जो नैरो नोज प्लायर है, आप ये इसकी चोंच दारी ये देख पा रहे होंगे, पतली एक नोक आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हो। तो ये नैरो नोज प्लायर है जहां पर ये कोई भी प्लास नहीं पहुंच पाता, जहां पर ये कोई भी काम नहीं कर पाते, यहां पर ये किसी भी छोटे मोटे नट बोल्ट को कसने ढीला करने का खोलने का काम करेगा और तारों के छल्ले बनाने का काम भी ये कर सकता है। जहां अन्य प्लास या प्लायर काम नहीं करते यहां पर ये काम करता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नैरो नोज प्लायर के बारे में, यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे पतले तारों के छल्ले बनाना, ये इसका काम है। छोटे नट बोल्ट को कसने वे ढीले करने में, जहां कोई अन्य प्लायर काम नहीं कर सकता, जहां कोई अन्य प्लायर काम नहीं कर सकता यहां पर यह काम करेगा। और कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यशाला में प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यशाला में प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। तो ये सब पीडीएफ आपको मैं दे रहा हूं, आपको पीडीएफ सब ये दूंगा मैं।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखिए साइड कटिंग प्लायर। नेक्स्ट आते हैं साइड कटिंग प्लायर, इसको हम लोग कहेंगे साइड कटिंग प्लायर। देखिए नीचे भी लिखा गया है साइड कटिंग प्लायर। इसका काम होता है देखिए तार को काटने का, साथ में जो तार पर इंसुलेशन यूज करते हैं उसको हटाने का। पतली जो भी मेटल की पतली चादर होती है उसको काटने का काम भी किया जाता है, और ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में यूज किया जाता है। तो देखिए इसके भी अलग 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 चीजें हैं, देखिए इसमें भी अलग अलग पॉइंट ये लिखेंगे। तार को अलग अलग पॉइंट लिखेंगे, तार को काटने में या इंसुलेशन हटाने में, यस इंसुलेशन को हटाने में पतली चादर को काटने में, यस और इसका यूज कहाँ करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यशाला में। इसका प्रयोग कहां पर करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यशाला में। ठीक है जी, तो ये हो जाता है देखिए साइड कटिंग प्लायर। तो इसमें साइड कटिंग प्लायर में आपको ये ध्यान से देखना है कि ये काटने का इंसुलेशन हटाने का दोनों काम कर रहा है। तो ये इस तरह का जो देखने को मिलता है आपको, ये होता है साइड कटिंग प्लायर। कई बार विद्यार्थी ये आपको डायग्राम दिखाकर भी, कई बार ये डायग्राम दिखाकर आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए ये क्या है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रीशियन के लिए एक चाकू होता है, देखिए इसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन, जिसे हम जानते हैं इलेक्ट्रीशियन नाइफ के नाम से, इसे हम जानते हैं इलेक्ट्रीशियन नाइफ के नाम से, यानी कि इलेक्ट्रीशियन चाकू के नाम से। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रीशियन नाइफ यानी कि चाकू। पहली चीज ये है देखिए किसका बना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इस्पात का बना होता है यानी स्टील का बना होता है। अब इसका जो प्रयोग है वो कैसे हम लोग करते हैं, इसे इंसुलेशन हटाने के लिए यूज किया जाता है, इसे इंसुलेशन हटाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, इसमें दो ब्लेड आप देख पा रहे हैं, जिसमें दो ब्लेड हैं, इसमें आप लिखेंगे इसमें दो ब्लेड होते हैं एक से इंसुलेशन हटाते हैं तथा एक से साफ करते हैं, एक से साफ करते हैं। इसके जो साइज होते हैं 5 सेंटीमीटर, आप कहेंगे देखिए 2 इंच 7.5 सेंटीमीटर, 3 इंच 10 सेंटीमीटर या 4 इंच। ठीक है जी, ये भी आपको याद रखना है कि इसे
पॉकेट यानी कि जेब में रखा जा सकता, आपको ये भी ध्यान देना है, इसे पॉकेट में या जेब में रखा जा सकता है, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आते हैं। बस ऐसी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही देखकर चलना है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्रू ड्राइवर या पेचकस। नेक्स्ट आते हैं स्क्रू ड्राइवर या पेचकस। नेक्स्ट देखिए स्क्रू ड्राइवर या पेचकस। तो देखिए स्क्रू ड्राइवर या पेचकस आप लोगों के लिए बहुत नया नहीं है, जिससे अलग अलग तरह के जो पेचकस है आप उनको उतारने, पेचकस से क्या कर रहे हैं आप अलग अलग तरह के जो स्क्रू है आप उनको टाइट करने के लिए या निकालने के लिए आप इसे यूज कर रहे हैं। इसमें तीन चीजें हैं, जैसे जैसे हैंडल है, तो हैंडल आप भाई किसका बनाएंगे, या तो आप प्लास्टिक का बनाएंगे हैंडल जो बना होता है, या तो आप प्लास्टिक का बनाएंगे, या फिर कुछ जगह आप देखिए वुड का बनाएंगे, लेकिन वुड का इतना अच्छा नहीं माना जाता है जितना अच्छा माना जाता है प्लास्टिक का। तो ये टिक लगा दिया, देखिए प्लास्टिक। इसमें क्या है, इसमें क्या आप देखेंगे कि इसमें एक आपका देखिए ये ब्लेड दिखाया गया है, ब्लेड बना होता है हार्ड स्टील का, ब्लेड बना होता है विद्यार्थियों हार्ड स्टील का, जिसे हम लोग कहेंगे कठोर इस्पात, जिसे हम कहेंगे कठोर इस्पात, दूसरा पार्ट। तीसरा होता है इसमें जो दिखाया गया है, देखिए टीबिया इसे कहते हैं हम लोग एंड, ठीक है जी। इसका प्रयोग देखिए पेंच को कसने व ढीला करने के लिए किया जाता है। इसके जो स्टैंडर्ड साइज आपको मिलेंगे वो स्टैंडर्ड साइज आपको देखिए 5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर होते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड साइज है ये सेंटीमीटर में ये होते हैं। इसके जो ब्लेड की जो लंबाई दिखाई जाती है, इसकी जो ब्लेड की लंबाई है देखिए, ये ब्लेड की लंबाई हो जाती है 7.5 सेंटीमीटर, ये हो जाती है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब इसका प्रयोग क्या करते हैं आप, स्विच में, होल्डर में जो पेंच है उनको कसने व ढीला करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम लोग कहां पर करेंगे, तो कहां पर यूज करेंगे, देखिए स्विचों होल्डरों आदि में पेंच को कसने व ढीला करने के लिए इसे प्रयोग करते हैं, इसे प्रयोग, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिए टेस्ट लैंप, जिसे आप कहते हैं टेस्टर, है ना, जिसे आप सॉरी टेस्टर अलग है, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को टेस्ट लैंप। तो आप इलेक्ट्रीशियन के यहाँ अगर विजिट करेंगे तो ये बाइंडिंग भी चली है कि नहीं ये इस लैंप से ही देखते हैं। तो टेस्ट लैंप का देखिए क्या है कि ये जस्ट एक टेस्टिंग होल्डर का होता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक लैंप लगा होता है, सप्लाई का परीक्षण करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है जी। एक टेस्टिंग लैब है, इसमें हम लोग लिख लेते हैं इसका प्रयोग सप्लाई टेस्टिंग
लिए किया जाता है। अब इसमें ये देखना है कि अलग अलग पावर रेटिंग है, 15 वोट 25 वोट के लिए, 40 वोट के लिए और 60 वोट के लिए। फिर दूसरा इसमें 100 वोट और ये 200 वोट, ये इस रेटिंग के लैंप इसमें आप यूज करते हैं। तो ये हो जाता है देखिए टेस्ट लैंप। चलिए नेक्स्ट आते हैं विद्यार्थियों, देखिए एक होती है हैंड सा, एक होती है देखिए इसी को हम हैंड सा या वुड सा के नाम से जानते हैं, इसे हम हैंड सा या वुड सा के नाम से देखिए जानते हैं, हैंड सा या वुड सा के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो ब्लेड है ये दिमाग में रखना है कि जो ब्लेड बना होता है, यही चीजें पूछता है स्टूडेंट, ये बना होता है देखिए स्टील का, किसका, स्टील यानी कि इस्पात का बना होता है, ये इस्पात का बना होता है। अब इसमें ये दिमाग में रखना है कि इसकी जो लंबाई है, जो ब्लेड की लगभग जो लंबाई है ये आपका 2.54 सेंटीमीटर पर ये ब्लेड कटे होते हैं, ठीक है। अब ये आपको दिमाग में रखना है कि जो हैंडल होता है, जो ये हैंडल होता है ये वुड का बना होता है, ये वुड का बना होता है। अब इसमें किसे काटने का काम कर रहा है, ये आरी जिसे हम लोग कह रहे हैं, किसे काटने का ये काम कर रहा है, लकड़ी को काटने का काम करता है, लकड़ी को काटने का कार्य करता है, लकड़ी को काटने का कार्य करता है, ठीक है। अब इसमें यह है कि क्या क्या सावधानी हम लोग बरते हैं, तो देखिए सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, इसमें सावधानियां देखिए क्या क्या होनी चाहिए, जंग से बचाना चाहिए, जंग लगने से बचाना चाहिए, जंग लगने से बचाना चाहिए। दूसरा ढीले हत्ते यानी ढीले हैंडल वाली आरी को यूज नहीं करना, नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। लोहे को काटने में यूज नहीं करना चाहिए, लोहे को काटने में यूज नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे, दांते वाते सब खत्म हो जाएंगे भाई, ये नहीं करना है। हमेशा पीछे की तरफ इसको हम यूज करेंगे, देखिए जब हम इसको सेफली रखेंगे, जब प्रयोग ना हो, जब प्रयोग ना हो तो हल्का सा ग्रीस लगाकर, हल्का सा ग्रीस लगाकर रखना चाहिए, हल्का सा ग्रीस लगाकर रखना चाहिए, ठीक है जी। दांतों को, इसके जो दांते ये बने हुए हैं, ये जो बने हुए हैं को हमेशा तेज यानी कि शार्प रखना चाहिए, दांतों को हमेशा शार्प रखना चाहिए यानी कि तेज रखना
चाहिए। तो ये हो जाएंगे विद्यार्थियों यहाँ पर हैंड सा या फिर वुड सा। तो ये एक सिंपल एक वे था देखे। दूसरा आगे भी हम लोग चल रहे हैं, आगे भी फिर दो तरह से आपको और चीजें देखने को मिलेगी। देखिए एक ये होता है, तो यहाँ पर आपने जो यूज किया है, यहाँ पर आपने देखा है कि आगे साइज कम है और जैसे जैसे हैंडल की तरफ गए हैं तो ये चौड़ा हो गया। यहाँ पर आ जाइए, इसे कहते हैं हम लोग टेनन सा, इसे हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं टेनन सा या फिर देखिए वुड सा। तो इसमें जो ब्लेड है वो रेक्टेंगल वे में दिया जाता है, इसमें जो ब्लेड दिया जाता है वो रेक्टेंगल वे में दिया जाता है, यानी कि जो ब्लेड की विड्थ और लंबाई है, आपको ये याद रखना है कि जो ब्लेड की विड्थ है, जो ब्लेड की विड्थ है, यानी कि विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, जो ब्लेड की चौड़ाई है ये यूज होती है देखिए 10 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग क्या 4 इंच, ठीक है जी, 8 से 10 दांते इसमें बने होते हैं, 8 से 13 तक टीथ या दांते बने होते हैं, ठीक है जी। अब देखिए इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज यहां पर भी ये स्टील का ही बना हुआ है, कुछ और नहीं है, जैसे बाकी है ये भी ऐसे ही है। वैसे इसमें क्या है कि अलग अलग यूज है, देखिए पहला हम लोगों ने लकड़ी काटने में किया, ये भी हमारा उसी पर्पज से है, लेकिन देखिए क्या क्या है, ये है केसिंग, कैपिंग, बैटन आदि पतली लकड़ियों के बोर्ड या ब्लॉक काटने में यूज होता है, यूज होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसे कहेंगे हैक सा। तो इसे जानते हैं हम लोग हैक सा। तो हैक सा दो तरह से रहता है, एक होता है कि यहां से यहां ये फिक्स्ड है, और एक होता है कि यहां से हम नट को टाइट करके, यहां से हम लोग, यानी कि एक फिक्स्ड है और एक एडजस्टेबल है, एक फिक्स है और ये एक एडजस्टेबल है। तो देखेंगे इसमें इसका प्रयोग किया जाता है नली, मेटल की कोई नली या पाइप काटने के लिए, इसका प्रयोग धातु की नली या पाइप काटने में किया जाता है, इसका प्रयोग धातु की नली या पाइप को काटने में किया जाता है, ठीक है जी। तो ये इसको आप याद रखेंगे, कुछ ज्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं देखिए स्टूडेंट हम लोग चीजल, जिसे कहते हैं छेनी। तो ये है देखिए, इसे हम लोग कहते हैं छेनी या फिर चीजल, छेनी या फिर चीजल, इसे जानते हैं हम लोग छेनी या चीजल के नाम से। तो देखिए स्टूडेंट, छेनी या चीजल की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रयोग
छेद करने के लिए जनरली करते हैं। कई प्रकार की अलग अलग तरह की ये होती है, जैसे इसमें अभी दिखाया गया है कि फर्मर चीजल होती है, फिर एक मोटेटाइज चीजल होती है, एक फ्लैट कोल्ड चीजल होती है। तो ये तीन अलग अलग तरह के होता है। तो जनरली अगर हम चीजल की बात करते हैं तो चीजल का जो प्रयोग होता है ये किया जाता है जनरली किसके लिए, छेद करने के लिए। तो लिखेंगे इसका प्रयोग छेद करने के लिए किया जाता, इसका प्रयोग छेद करने के लिए कहा जाता है। ये तीन प्रकार की होती है जनरली, ये तीन तरह की होती है। एक दिया गया है देखिए फर्मर चीजल, इसमें लिखेंगे यह तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार देखिए क्या क्या, एक होता है स्टूडेंट फर्मर चीजल, एक होता है मोर्टाइज चीजल और एक होता है देखिए फ्लैट कोल्ड चीजल, एक होता है फ्लैट कोल्ड चीजल। तो आपके सामने दिखाया गया है देखिए फर्मर चीजल, आपके सामने दिखाया गया है फर्मर चीजल। तो यहाँ जो हैंडल बना हुआ है, ये दोनों फर्मर चीजल यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो हैंडल है ये बना होता है देखिए लकड़ी का, ये जो हैंडल है ये बना होता है लकड़ी का, और जो ब्लेड है ये बना होता है कास्ट आयरन का, ये बना होता है कास्ट आयरन, जिसे हम कहते हैं ढलवा लोहा। ठीक है, ये बना होता है ढलवे लोहे का एंड कास्ट आयरन। इसकी जो ब्लेड का साइज है, ब्लेड का जो साइज है, इसके जो ब्लेड का साइज है, ये ब्लेड का साइज है 15 सेंटीमीटर या कहें तो 6 इंच। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर। इसका जो यूज है वो कहाँ पर किया जाता है, कारपेंट्री वर्कशॉप में। इसका जो प्रयोग है कारपेंट्री वर्कशॉप में किया जाता है। ठीक है जी, देखिए इसे मैलेट का मतलब होता है, आगे पढ़ेंगे, लकड़ी का हथौड़ा की मदद से यूज किया जाता है। फिर यहां ये भी याद रखेंगे, इससे अनावश्यक लकड़ी को छिला भी जाता है। तो इसमें ये हो गया देखें हमारा फर्मर चीजल की कहानी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फर्मर चीजल से आगे, अब दूसरे तरह का देखते हैं, ये है मोर्टाइज चीजल। देखिए मोर्टाइज जो चीजल है, ये भी काम ये सारे के सारे हमारे छेनी है। अब इसका जो प्रयोग है ये कहाँ किया जाता है, लकड़ी में गहरे छेद करने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका
प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां आपको ध्यान से देखना है, ये सेम हमारा किसका बना हुआ है, देखिए कास्ट आयरन का ही बना हुआ है, ये कुछ अलग नहीं है, ये कास्ट आयरन का ही बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखेंगे फ्लैट कोल्ड चीजल। तो हमारा चीजल में तीसरा टाइप है जिसे हम कहते हैं फ्लैट कोल्ड चीजल, जिसे हम कहते हैं फ्लैट कोल्ड चीजल। अब देखें यह है पूरी तरह से हार्ड, इंपॉर्टेंट है ये, हार्ड कार्बन स्टील, हार्ड कार्बन स्टील से बना होता है, हार्ड कार्बन स्टील से बना होता है, ये हार्ड कार्बन स्टील से बना होता है। इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, लेंथ देखेंगे 15 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच, 20 सेंटीमीटर 8 इंच, ठीक है जी। अब इनका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग दीवारों व छतों में गिट्टियां हेतु सुराख करने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग वायरिंग करते समय, वायरिंग करते समय दीवारों या छतों में गिट्टियां हेतु सुराख क्या हेतु सुराख करने के लिए होता है, ठीक है सर। तो ये हमारे देखिए चीजल तक कंप्लीट हो गया, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।